साल 2005 में मनमोहन सिंह की सरकार ने सूचना का अधिकार दिया, देश में आरटीआई की व्यवस्था आई। साल 2007 में मनरेगा लाकर पार्शियल राइट टू वर्क दिया गया। अब आप सरकार से 100 दिन तक के लिए काम मांग सकते हैं, ये आपका अधिकार बन गया। सरकार को ये देना ही पड़ेगा, सरकार मना नहीं कर सकती। साल 2009 में राइट टू एजुकेशन दिया गया। अब 6 साल से लेकर 14 साल की उम्र के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देना अधिकार बना दिया गया, ये भी सरकार की ड्यूटी थी। साल 2013 में राइट टू फूड लाया गया, 80 करोड़ लोगों के लिए राशन की व्यवस्था की गई। 2014 में कांग्रेस की सरकार चली गई, लेकिन 2023 में राजस्थान की कांग्रेस सरकार राइट टू हेल्थ लेकर आई है। अब कोई भी गरीब आपात स्थिति में किसी भी प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा सकता है, वो भी मुफ्त। प्राइवेट अस्पताल उससे भगा नहीं सकता। अगर गरीब पर पैसे नहीं है तो सरकार पैसे देगी, लेकिन इलाज होगा। इलाज गरीब का अधिकार है, उसे भगाया नहीं जा सकता। लेकिन सवाल यह है कि पिछले 9 साल से केंद्र में मोदी सरकार है, भाजपा सरकार ने कौन सा अधिकार इस देश के नागरिकों को दिया? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं।